HJ न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्त समझकर जिससे बातें करते थे अक्षय, वहीं उनकी पत्नी का कर रहा था। बॉलीवुड के चर्चित अभिनेता अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना आज बॉलीवुड के एक परफेक्ट कपल माने जाते हैं, और इन दोनों ये जोड़ा अपने परिवार के संग केपर टाउन में छुट्टियां मना रहे हैं। ऐसे में हम अगर आपसे कहे कि खिलाड़ी अक्षय कुमार की बेटा हाफू पर बॉलीवुड का एक सुपरस्टार रदि लोजान से मरता था तो आपको झटका लगना लाजमी है। जी हाँ, वैसे भी अभिनेता शाहिद कपूर अभी तो अपनी फैमिली के साथ में व्यस्त है, खासकर अपनी बेटी मीशा के चलते आजकल कुछ ज्यादा ही सुर्खियों में है। हमें शाहिद व उनकी पत्नी मीरा डिनर के दौरान भी एक साथ नजर आ चुके हैं, लेकिन अब यह दोनों ही हमें फिल्म मेकर करण जौहर के शो कॉफी विद करण में भी नजर आए। देखा जाए तो शाहिद जिनका की कई हीरोइनों के साथ नाम जुड़ा, बेशक आज शादीशुदा हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि शाहिद अक्षय कुमार की बीवी यानी ट्विंकल खन्ना को बेहद पसंद करते थे और उनका पीछा करते थे। चौंक गए ना। शाहिद ने ये खुलासा करण जौहर के चैट शो कॉफी विद करण में किया। उन्होंने बताया कि जब वो किशोर अवस्था में थे तो वो अपने एक दोस्त के साथ मिलकर एक होटल के स्विमिंग पूल के पास ट्विंकल का पीछा करते थे। उस वक्त ट्विंकल फिल्म इतिहास की शूटिंग कर रही थी और उसी फिल्म में शाहिद की माँ नीलिमा अजीम भी थी। यहाँ वो ट्विंकल को जी भरकर निहारते थे।